नाम पर जारी सस्पेंस को खत्म कर दिया है। बता दें कि मंगलवार को हुई विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लग गई है। भजन लाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री चुना गया है। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा होते ही बानसूर विधानसभा में मोदी मोदी के नारे लगने लगे और कार्यकर्ताओं समेत सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा किया है और पटाखे चलाकर आतिशबाजी की। बिल्कुल संभावना लग रही थी, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उसी परिपाटी को अपनाते हुए अब की बार शाह जी ने एक संकेत दिया है कि कार्यकर्ता दरी और पट्टी बिछाने के लिए नहीं होता, आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। और ये संदेश आज राजस्थान में भी पुख्ता कर दिया कि श्री भजनलाल जी शर्मा जो पहली बार सांगनेर विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं और उनको मुख्यमंत्री के पद पर के लिए एक गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज राजस्थान की बागडोर के रूप में जो चेहरा घोषित किया है भजन लाल जी शर्मा, तो सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है और एक ऐसा चेहरा जिसको कि अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित किया गया, हर तरफ खुशी है और चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी